नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज आपकी आवाज मैं हूं मेरा जबी वालिया ग्लोबल एकेडमी में हिंदी दिवस पर राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने मचाई धूम वालिया ग्लोबल एकेडमी में हिंदी दिवस पर हिंदी साहित्योदय संस्था के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय काव्य गोष्ठी आयोजित की गई जिसका आयोजन प्रबंध समिति के सदस्य कमलकांत वालिया इंदु वालिया रमाकांत वालिया श्रीमती रुचि का तथा विद्यालय के प्रधान श्याम प्रकाश तिवारी द्वारा किया गया कार्यक्रम का संचालन शर्मा ने किया तथा अध्यक्षता आर्य ने की कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से किया गया काव्य गोष्ठी में सम्मिलित राष्ट्रीय स्तर के कवियों में योगेंद्र सुंदरीपाल मुझसे मेरी लाडली पूछे एक सवाल डॉ अनिल शर्मा रसभीनी भावनी मन को लुभाने वाली डॉक्टर जय सिंह आर्य सिर्फ यही कर पाएगी सबका बेड़ा पार डॉक्टर अनिल बाजपेई सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता आदि कविताओं से कार्यक्रम को कार्यक्रम को सुसज्जित किया गया राजकुमार से हिंदी है हमारी शान हिंदी का बढ़ाई मान राम राम शहीदों की याद में उत्सव मनाए जाते हैं डॉक्टर विनय प्रताप सिंह हिंदी हिंदवासियों के हृदय में निवास करे प्रमोद शर्मा कोई झूठी कहानी नहीं चाहिए तथा समाज सेविका रश्मि अग्रवाल ने कलम तू कुछ तो लिख अपनी कविताओं एवं का, काव्य पाठ से श्रोताओं का मंत्रमुग्ध कर दिया पैच अपनी कविताओं और काव्य पाठ से श्रोताओं का मन, मंत्र कर दिया विद्यालय के छात्र छात्राओं में माही तलहा विभोर ने भी हिंदी के प्रति अपने मनोभावों को तलहा विभोर ने भी हिंदी के प्रति पैच विद्यालय के छात्र छात्राओं में माही तलहा विभोर ने भी हिंदी के प्रति अपने मनोभावों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करके सभी का मन मोह लिया अध्यापक कुमुद कुमार ने हिंदी चल रही अपने पाए तुम अपने मोहताज सुनो सुंदर कविता कही प्रधानाचार्य श्याम प्रकाश तिवारी ने हिंदी भाषा का महत्व बताते हुए बच्चों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक किया और उन्होंने कहा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि देश को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा माध्यम है हिंदी भाषा के उत्थान की कामना करते हुए सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाएँ शामिल रहीं